सफर का ही था मैं सफर का रहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत टाइम बाद एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो आज अब मानसून आ चुके हैं और अब 4 महीने सिर्फ ट्रैकिंग होने वाली है, बढ़िया वाली। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट पूरी पल्टन को लेके जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड और एंड तक देखना, मजा बहुत आने वाला है। सारे मुंबईकर्स और पुणेकर्स को सह्याद्री के मजे कराएंगे। चलो चलते हैं, लेट्स एंजॉय आवर मानसून। सो फाइनली हमारी कैब आ चुकी है बहुत देरी के बाद, हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं एज यूजुअल है ये। तो चलो बैठते हैं इसके अंदर और निकलते हैं। Many hours later. सो बेस विलेज में हैं हम अभी और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अच्छे से पोहा खा लिया, यूजुअल ब्रेकफास्ट वही होता है। बॉयज से पूछते हैं हाउ इज द जोश। एकदम बढ़िया, एक नंबर। इसका मिक्स है पेटेंट, एक नंबर। बदलापुरी पेटेंट, बदलापुरी पेटेंट है क्या? जल्दी चढ़ लेंगे क्या आराम से? पर तुम लोग का ऐसा बस में तो लग नहीं रहा था कि तुम करोगे। नहीं, सबका लग रहा था, हम एक्टिंग कर रहे थे। कौन नेवर अंडरएस्टिमेट द कॉमन ऑफ अ पावर मैन। क्या क्या बोल रहा है तू? देखो डिमोटिवेट कर रहा है। मेरे को डिमोटिवेट कर रहा था। अच्छा हो गया ना भाग मेरी तरफ। और तू क्या ये शेक कर रहा है भाई? शेकी शेकी क्या है ये तेरा? स्पेशली नींबू शरबत बना के लेके आया। कितने दिन का रखा हुआ है? बारिश हो रहा है। कितने दिन का रखा हुआ है बोलता है? तेज से नीच लोग ही पूछ सकते हैं सब। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक। अभी तक हम जितना भी चढ़ के आए हमें लग रहा था ट्रैक स्टार्ट हो गया है, बट नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, माता कलसुबाई निवासनी देवस्थान बारी। यहाँ से स्टार्ट होगा, अपने को जाना है वहाँ पे। और हमें यहाँ से ही ना बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है, बहुत सारी। और कलसुबाई जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, क्राउडेड ट्रैक बन चुका है अभी। अच्छा खासा हमने कवर कर लिया है। अब जो पहाड़ जो विजिबल नहीं हो रहे थे नीचे से, अब वो विजिबल हो रहे हैं। सीढ़ियाँ वगैरह दिख रही है, भीड़ दिख रही है। ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस अभी तक, मज़ा आ रही है। फट रही है बिकॉज ऑफ द स्लश, सबके पैर बहुत स्लिप हो रहे हैं, बट उसके अलावा इट इज़ वेरी नाइस। सो ये है 4th stall। ऐसे पूरे रास्ते में 10 stall हैं, तो थोड़ा थक थक के चल रहे हैं। बट मेक श्योर कि जब आप आओ और पैरों पे स्लश लग रहा है, सो क्लीन योर शूज सो दैट रास्ते में चढ़ने में बहुत आसानी होगी आपको। तो एक एक स्टॉल पकड़ के ब्रेक लो 5-5 मिनट का। अभी 4th stall पे हम रुके हैं, 5th पे रुकेंगे, फिर 6, ऐसे करके 10 तक पहुंच जाएंगे। मंजिल दूर है, हार नहीं मानना अपने को। मोमेंट्स लेटर, हवाई फट रही असलियत में फट रही है पर ब्लॉग में। तो ये जो अपने भाई है ना, ये वाले, ये है पहली बार आए हुए। और पहली बार में इन्होंने कलसु भाई चुन लिया। क्या भाई बताओ जरा कैसा लग रहा है आपको? क्या बोल रहे? दो लोग गए, टू डाउन, सिक्स मोर टू गो ना। अभी ये मिल गया, मोर जाने की थंबनेल मिल गया, टू डाउन, फाइव, दो, तीन, चार, पांच, और एक ऊपर। सो अभी आधा घंटा गौरी ने हमारा वेट किया है। हाँ गौरी, सो से हाय। हेलो गाइस, फर्स्ट टाइम इन द व्लॉग। यस, सो शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, हमारे साथ ट्रैक पे आई है और हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ी में चल रही है। हम लड़के कोप अप नहीं कर पा रहे इसके। बट कैसा लग रहा है? देखो बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर इज अमेजिंग और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हैं ऑलरेडी, बैठने की फैसिलिटी अच्छी दी हुई है नहीं हर जगह, लाइक हर छोटे छोटे स्पॉट पे। अच्छा एटलीस्ट थोड़ा चलो, 2 मिनट बैठो फिर चलो। चलो अब तुम बैठ लिए तो चलो चलो। तो इससे मिलिए, ये हमारा नया 6वां 7वां खिलाड़ी है, मोहित लालवानी उर्फ लाला। तो ये नया है, फर्स्ट टाइम है व्लॉग में। क्या मोहित, और फर्स्ट टाइम है ट्रैक पे, देखो कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, और एक दो ट्रैक चढ़ लेंगे ऐसा ही। कॉन्फिडेंस इसका ना आसमान में रहते हमेशा। We'll be right back.
सो फाइनली स्टेयर्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सो भाई अभी यहाँ से और कितनी देर लगी? सीढ़ियाँ तो स्टार्ट हो गई है, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आधा घंटा लगेगा यहाँ से पूरा आधा घंटा। उसके बाद एक प्लेटियो आएगा, उसके बाद तकरीबन डेढ़ घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। और आप देखो आपका हर रोज़ का काम है तो मेरे व्यूअर्स को बता दो कि नीचे से जो एवरेज इंसान स्टार्ट करता है उसको कितनी देर लगती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट 3.5 आवर्स, पर गांव वाले 2 घंटे में चढ़ लेते हैं। मैं आपको यहां से व्यू दिखा देता हूं। ये है सारा विलेज, बेस कैंप है। ये जो कचरा है वो प्लीज़ ऐसी जगह पे मत करो, अपना कचरा अपने बैग में डालो या फिर डस्टबिन देख के वहाँ पे डाल दो। टफ है सीढ़ियाँ, संभाल ओए संभाल, इतनी सांस फूल जाएगी, बहुत ज़्यादा सांस फूल जाएगी, तो जिनका वेट है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, आना सच में फूलेगी सांस बहुत ज़्यादा। तो इस ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं, इतनी पतली सीढ़ियाँ, एक तरफ से लोग आ रहे हैं एक तरफ से लोग जा रहे हैं। सो विद दिस फेज 1 इज फाइनली कंप्लीटेड, अब फेज 2 के लिए वहाँ ऊपर जाना है और डिस्टेंस कम है बट पहुँचने में कह रहे हैं 1.5 से 2 घंटा लगेगा। सो 350 मीटर ये है बट 1.5 से 2 घंटा लगेगा। डिफॉर्मेशन का केस डाल दूंगा ये चैनल के ऊपर। चपली खा रहा है मेरे ऑन व्लॉग में और कह रहा है डिफॉर्मेशन।